हाय दिया, माय नेम इज़ मुस्कान एंड यू आर वाचिंग नॉलेज स्कोट। सो आज हम बात करेंगे शिमला के बारे में, शिमला की ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, टेंपल्स के बारे में, फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में, और इकोनॉमी और जो फेमस पर्सनालिटी रहे हैं शिमला में उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट अस बिगिन। पहले हम जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो बना कब, 1972 में, एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, शिमला में ही है, एंड डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, 10 हैं, टोटल एरिया कितना कवर करता है, दैट इज़ 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 9.22% है आपके HP के एरिया का। नाउ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 8 हैं, ग्राम पंचायत 363, आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ योर हिंदी एंड पहाड़ी लैंग्वेज। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफिकली लोकेशन कहाँ है शिमला की। तो अगर आप देखोगे मैप में तो साउथ ईस्ट में है, और लेटीट्यूड कितना, 30° 45' टू 31° 44' एंड लॉन्गिट्यूड आपका 77° 0' टू 78° 19' ईस्ट है। सो अगर आप देखोगे मैप को तो आप पाओगे कि जो कुल्लू है और जो मंडी है वो शिमला को नॉर्थ साइड से जो है नॉर्थ में है शिमला की, और जो किन्नौर है जो उत्तराखंड का जो, और जो कुछ रीजन है वो साउथ ईस्ट में है, सॉरी वो ईस्ट में है, और उत्तराखंड का जो रीजन है कुछ रीजन साउथ ईस्ट में है शिमला के, और सिरमौर जो है वो साउथ में है शिमला के, और जो सोलन है वो वेस्ट में है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं माउंटेन्स एंड पीक्स के बारे में। सो जो जाकू हिल्स है, प्रोस्पेक्टस हिल है, ऑब्जर्वेटरी हिल है, समर हिल है, एलसिम हिल है, ये जो सारी हिल हैं पांचों की पांचों, ये कहाँ हैं, शिमला में हैं। शिया ये चायल में है, चूरधार ये चौपाल में है, चांसल ये रोडू में है, सईल ये सुन्नी में, हाटू कुमारसेन में, ये कुछ मेजर पीक्स हैं शिमला की। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास रिवर्स हैं, तो मेनली शिमला डिस्ट्रिक्ट में 3 रिवर्स हैं आपकी, सतलुज है, गिरी है और पब्बर है। सो सतलुज जो है वो शिमला में एंटर करती है किन्नौर से बदहाल रीजन, बदहाल का जो एरिया है वहाँ से एंटर कर, वहाँ पे एंटर करती है आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और जो सतलुज है इसका ओरिजिन कहाँ पे, आपका मानसरोवर जो लेक है आपके तिब्बत में वहाँ पे, और तिब्बत में जो राक्षस लेक है वहाँ से। नाउ जो सतलुज है इसकी शिमला में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो नोगली है, मंचाड, भैयार, खिखर, चामडा, साविरा, सो ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक स्ट्रीम्स हैं सतलुज रिवर की। और जो गिरी है वो ओरिजिनेट होती है कूपर पिक जुबल से, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ असानी। नाउ मूविंग फर्दर, पब्बर रिवर की हम बात करेंगे। जो पब्बर रिवर है ये ओरिजिनेट होती है चंद्रनाहन लेक से, और जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो अंदरा, पिजौर, हाटकोटी, शिकारी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो लेक्स हैं शिमला में, चंद्रनाहन हो गई, तानुजुबुल, ग्रैंड कुफर, ये लेक्स हैं। झरने या चश्मे ज्यूरी में है आपका जो है चश्मे, और जो झरना है दैट इज़ चैंडविक, जो कि शिमला में ही अगेन। सो नाउ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शिमला। सो शिमला की हिस्ट्री में क्या है कि सबसे जो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है वो है आपकी बुशहर, रामपुर बुशहर कह सकती हो आप, देन रितेश वो है सबसे छोटी, एंड जो रामपुर बुशहर है, रामपुर का नाम राजा राम सिंह के नाम पे जो है रामपुर जगह का नाम है, और जो बुशहर रियासत है उसको एस्टैब्लिश किया था प्रद्युमन ने, जो कि श्री कृष्ण के सन थे, और
जो आपके प्रद्युमन थे वो आए थे आपके सराहन अनिरुद्ध की शादी करने के से बानासुर की बेटी से। सो जो बानासुर थे उनकी डेथ के बाद प्रद्युमन ने एस्टैब्लिश किया था अपना जो राज्य, और उस उन्होंने अपना जो कैपिटल रखी थी उस टाइम कामरू। और कामरू के बाद जब जो वन इनके 110 डिसेंडेंट थे राजा चतुर सिंह, इन्होंने जो है जो कैपिटल कामरू को जो है सराहन जो है ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया, और सराहन से फिर रामपुर को जो है शिफ्ट किया आपने, आपके राजा राम सिंह जी ने। सो ये बुशहर रियासत थी, और इसके जो सबसे लास्ट में जो राजा रहे बुशहर रियासत के वो थे राजा पदम सिंह। और राजा राम सिंह ने ही लवी सॉरी राजा केहरी सिंह ने जो है लवी फेयर स्टार्ट किया था रामपुर बुशहर में, जो रिलेशन दिखाता है तिब्बत और बुशहर रियासत के बीच में, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है रामपुर में, इंटरनेशनल फेयर है ये। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेमिंग ऑफ शिमला देख लेते हैं। सो शिमला का जो नाम है वो श्यामला देवी ब्लू वुमन, जिनका अनदर नेम श्यामला देवी का भगवती काली भी है, उनके नाम पे है। और डिस्कवर कब किया शिमला, 1817 AD में पैट्रिक गिराड एंड एग्जिलेंडर गिराड, ये दो स्कॉटलैंड के सिटीजन थे या कहीं ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने शिमला को शिमला विलेज को अपनी डायरी में जो है डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। नाउ जो लेफ्टिनेंट रोज ने डिस्कवर किया शिमला को, और इन्होंने वुडन हाउस बनाया 1819 में। और जो चार्लीज पैट कैंडी थे, इन्होंने फर्स्ट पक्का हाउस बनाया शिमला में 1822 AD में, जिसको कैंडी हाउस के नाम से भी अब जानते हैं। लॉर्ड अमरेस्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला 1827 में, जो लॉर्ड अमहर्स्ट थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला जो शिमला आया आप कह सकते हो 1827 में। मेजर कैंडी ने स्टार्ट किया था पोटैटो का कल्टीवेशन शिमला हिल रीजन में, और आज शिमला जो है पोटैटो कल्टीवेशन में सबसे पहले नंबर पे है हिमाचल प्रदेश में। और फर्स्ट जो फन फेयर है वो हुआ था अनाडेल ग्राउंड में 1833 में, और अनाडेल ग्राउंड में ही जो है आपका फुटबॉल का मैच हुआ था डोमेस्टिक का आप कह सकते हो, जो कि 1888 में हुआ था। दुरंत कप इसके लिए जो है रखा जाता है, लेकिन अब उसको जो है कलकत्ता शिफ्ट किया गया है। नाउ जो लॉर्ड हार्डिंग बिशॉप रॉय डेनियल विल्सन लेड द फाउंडेशन ऑफ क्राइस्ट चर्च, जो थंबनेल में भी आपने देखा क्राइस्ट चर्च का फोटो, वो उसकी फाउंडेशन किसने रखी, लॉर्ड हार्डिंग बिशॉप रॉय डेनियल विल्सन, इन्होंने जो है क्राइस्ट चर्च की जो है आप कह सकते हो बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, इनके अंडर बना 1844 में स्टार्ट हुआ था, और 1857 AD में जो है वो बन के तैयार हो गया था। नाउ आगे है हमारे पास 1864 में जो शिमला है वो समर कैपिटल बनी किसकी, इंडिया की। एंड जो अंडरग्राउंड रिजर्वेयर टैंक है सॉरी आपकी शिमला रिज के नीचे, वो 1880 को बना। एंड अलाइंस बैंक ऑफ शिमला, ये फर्स्ट बैंक था शिमला का जो कि 1874 को इस्टेब्लिश किया गया। दुरंद मोर्टिमोर स्टार्टेड दुरंद कप एट अनाडेल ग्राउंड इन 1880, ये आ गया जी यहाँ पे। जो ब्रिटिशर्स थे दुरंद मोर्टिमोर, उन्होंने स्टार्ट किया था दुरंद कप जो कि फुटबॉल के लिए था। शिमला कालका जो रेलवे लाइन है ये ओपन हुई थी 1891 में, और फर्स्ट ट्रेन जो है फर्स्ट टाइम इसमें ट्रेन चली थी 1903 को, और इसको इनॉगरेट किया था लॉर्ड क्रूजन ने। और जो आपका शिमला कालका जो रेलवे लाइन है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है, जो कि 2007 में इसको रखा गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर टू शिमला, फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर की गई थी शिमला को, वो चाबू पावर स्टेशन से 1913 AD को जो है वो डिलीवर की गई थी। नाउ आपका है
लेडी रीडिंग बिल्ट द, जो लेडी रीडिंग है, लेडी रीडिंग ये ब्रिटिशर्स फीमेल है, इनका नाम है ये, उन्होंने बनाया था लेडी रीडिंग हॉस्पिटल 1914 में, जिसको आप अभी कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जानते हो। और 1914 में ही आप देखोगे विट्ठल भाई पटेल, इन्होंने स्टार्ट किया था डिसओबीडियंस मोमेंट शिमला में, और 1914 में शिमला में ही ये डिसीजन लिया गया था कि आपके इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन बना दी जाएगी, जिसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो महात्मा गांधी है वो फर्स्ट टाइम शिमला आए थे 11 मई 1921 में, और ये ठहरे थे आपके शांति कुटीर में, और सेकंड टाइम आए थे महात्मा गांधी शिमला 1931 में। जो लॉर्ड रीडिंग इनॉगरेट द काउंसिल चैम्बर, जो लॉर्ड रीडिंग है इन्होंने इनॉगरेट किया था काउंसिल चैम्बर, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे असेंबली है, कब इनॉगरेट किया था 1925 में। नाउ मूविंग फर्दर, जो शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर आप कहो वेवल कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 1945 में। कैबिनेट मिशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1946 में, ये कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। एंड पंजाब हाई कोर्ट जो है कुछ टाइम के लिए पीटर हॉप में था, और इसमें फायर लग गई थी 1981 AD में। जो विक्ट्री टनल है ये 1945 में शिमला में बनाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत गए थे अफगानिस्तान से। नाउ जो वाइस रिगल लॉज है उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, 1947 में इसको रीनेम्ड जो है दोबारा इसका नाम चेंज किया गया, और सॉरी 1947 तक आपका जो वाइस रिगल लॉज है उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते थे। 1965 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़, जो कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ऑब्जर्वेटरी हिल पे बनाया गया। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास है शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1972 में। हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूज़ियम 1974 में बनाया गया। एंड जो स्टोनडन हॉस्पिटल है इसका रीनेम्ड रखा गया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज 1985 AD में। बार्नस पोर्ट वो ऑफिशियल रेजिडेंस बना गवर्नर का 1992 में। और हाई कोर्ट कहाँ है आपका, लोकेटेड इन रेवेंसवुड में। मूविंग फर्दर, जो आप कहोगे ओखावर, वो सीएम का जो हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। और हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड एलर्जी एंड अनाज देल, यहाँ पे है पीटर हॉफ करंटली जो है, ये जो हिमाचल गवर्नमेंट के जो गेस्ट आते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस कह सकते हो आप ये हिमाचल गवर्नमेंट का। एंड जो शिमला सिटी है उसको मर्ज किया गया 1 नवंबर 1966 में, और जो है आपके हिमाचल में शिमला को, और 1966 में ही शिमला को कैपिटल सिटी बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। नाउ टेंपल के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे भीमाकाली टेंपल है, काफ़ी फेमस है, जो कि सराहन में है, बुशहर रियासत वाला, आपने याद रखना। सराहन का पुराना नाम है शौनितपुर। सूर्य टेंपल जो कि नीरत में है, तारा देवी टेंपल, संकट मोचन टेंपल, जाखू टेंपल, कालीबाड़ी टेंपल, ये सारे शिमला में ही है। नाउ मूविंग फर्दर, पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, सो वी हैव फर्स्ट लेट वीरभद्रा सिंह जी, जो फर्स्ट टाइम 1983 में सीएम बने थे एचपी के, और इनका रिकॉर्ड है कि ये 6 टाइम जो है सीएम बने हिमाचल प्रदेश के। ठाकुर जो रामलाल सिंह थे, ये सेकंड सीएम थे हिमाचल प्रदेश के 1977 में, आफ्टर डॉक्टर वाईएस परमार के बाद। और ये गवर्नर भी बने आंध्र प्रदेश के 1983 में, और ये एक ऐसे हिमाचली है जो गवर्नर भी रहे और सीएम भी रहे। उसी तरह से आपकी प्रीति जिंटा है, जो फेमस एक्ट्रेस है। सो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटी आपकी शिमला के। नाउ मूविंग फर्दर, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। सो इकोनॉमी में अगर हम देखें, हॉर्टिकल्चर का काफ़ी ज़्यादा रोल है।
जो फर्स्ट गार्डन जो एप्पल का प्लांट किया गया वो मशोबरा में 1887 में, और 1918 में जो सैमुअल इवान स्टोक्स थे उन्होंने अमेरिकन वैरायटी के एप्पल्स को कोर्टगल में लगाया, और एक्जिलेंडर कोर्स ने ब्रिटिश वैरायटी के एप्पल्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया शिमला में। आप देखोगे जो शिमला है वो काफ़ी फेमस है फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जो अंदरा एंड सवादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पे है। टूरिज्म की वजह से जो इकोनॉमी है वो हिमाचल की बहुत ज़्यादा है। जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की यहाँ पे वो तो एग्रीकल्चर है ही है, एप्पल ऑर्चर्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नाउ मूविंग फर्दर, फेयर एंड फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो फेयर में आपका लवी फेयर आ गया, जो कि इंटरनेशनल लवी फेयर है जो कि रामपुर बुशहर में होता है। देन आपका फाग है, ये भी होली से पहले होता है, आई थिंक होली की बात होता है सॉरी, जो कि रामपुर बुशहर में ही होता है। फिर आपका समर फेस्टिवल होता है जो कि शिमला में ही होता है, तारा देवी फेयर ये भी वहीं शिमला में ही होता है। उदयापन जा गया आपका सराहन बुशहर में होता है। गुहान फेयर, सो ये कुछ फेयर है। नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शिमला, सो आप देखोगे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी शिमला में ही है। देन आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कुफरी में है, जो कि शिमला में ही है, पोटैटो में पहले नंबर पे है शिमला। पोटैटो सबसे पहले किसने उगाया था? मेजर कैंडी, आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, निगम विहार, ये भी शिमला में ही है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी शिमला में ही है। देन आपका हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये फिर लॉन्स ये भी शिमला में ही है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट शिमला। ये क्या है? होम टू मोस्ट अर्बन एंड लिस्ट रूरल पॉपुलेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन शिमला में बहुत ज़्यादा है, अर्बन एरिया में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिमम जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत हैं वो भी शिमला में ही है। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है छठे नंबर पे है एरिया के बेस्ड पे, थर्ड नंबर पे है पॉपुलेशन, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। शिमला हैज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स आफ्टर कांगड़ा, कांगड़ा के बाद जो सबसे ज़्यादा लेंथ है रोड्स की वो शिमला की है। मोस्ट फॉरेस्टेड एरिया है आफ्टर चंबा। लार्जेस्ट पोटैटो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल चेरीज आमंड्स, सेकेंड प्रोड्यूसर है आपका पियर एंड कीवी, कीवी सबसे ज़्यादा होती है आपकी सोलन में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।